Today we will start our chapter second topic, increasing soil fertility. तो how we can increase soil fertility, right? यहाँ पे हम वो पढ़ेंगे. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility, right? कुछ bacteria ऐसे होते हैं जो atmosphere से nitrogen रे के soil में उसे फिक्स करते हैं, राइट, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसे इंक्रीज करते हैं. दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. यहाँ पे आप अंडरलाइन करना इस टाइप के माइक्रोब्स को, राइट, क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. तो यहाँ देखो फिगर में आपको दिखाया है नाइट्रोजन फिक्सिंग, राइट, ब्लू ग्रीन एल्गी. क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, तो यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे सॉइल फर्टिलिटी में हमें हेल्पफुल हुए, उसी तरह से वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, राइट. तो इस तरह से अलग अलग जगह पे वो हमारे किस तरह से फ्रेंड्स हैं, हमें कैसे हेल्पफुल होते हैं, वो हम अभी पढ़ रहे हैं. ओजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर, राइट. स्कूल में जो गार्डनर होता है वो मैन्योर बना रहा था. एलोंग विथ देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन. तो इसके लिए वो क्या कर रहा था, आसपास से जो भी वेजिटेबल्स पील्स है फ्रूट्स की, राइट, वो सब कुछ इकट्ठा करके प्लांट का वेस्ट, काउ डंग्स, इस तरह से जो सभी चीज़ें थी वो आसपास में से वो इकट्ठा करके दे पुट देम इन अ पीट, राइट, इकट्ठा करके उसमें इकट्ठा करता था. मीन फॉर वेस्ट डिस्पोजल आफ्टर सम टाइम इट डीकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूर. तो थोड़े टाइम के बाद, राइट, 5-6 डेज के बाद वो डिकम्पोज होके मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है. ये हमने पूरा 6 में पूरा चैप्टर था पढ़ा होगा, आपको याद है. बट वो जो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन, तो ये दोनों जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से होता है. तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, टेक टू पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल, राइट. हाफ पॉट में आपको क्या डालना है, उसमें सॉइल. मार्क देम ए एंड बी, पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी. ए पॉट में आप क्या डालोगे, जो प्लांट का वेस्ट है, वेजिटेबल का वेस्ट है, वैसी चीज़ें डालोगे. और जो पॉट बी है उसमें आप जो प्लास्टिक की बैग्स है, ग्लास कहीं भी टूटा हुआ होता है, ऐसी चीज़ें डालोगे. पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक, राइट. उसे आप एक जगह पे रख दो और 3-4 हफ्ते के बाद, यानी 20-25 दिन के बाद आप उसे ऑब्जर्व करो. डू यू फाइंड एनी डिफरेंट इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स, आपको कोई चेंजेस दोनों पॉट में दिखाई देते हैं. इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, तो दोनों में क्या डिफरेंस था. यू विल फाइंड दैट प्लांट्स वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डीकम्पोज्ड. हाउ डिड दिस हैपन, तो जो पॉट आपने ए लिया था, राइट, जिसमें आपने प्लांट वेस्ट डाला था, वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा. द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इन मैन्योर बाई द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, और वो अपने आप में किसकी हेल्प से होता है, माइक्रोब्स की, और वो कन्वर्ट हो जाएगा मैन्योर में. द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन. डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस. तो ये जो चीजें आपने पॉट बी में डाली है, राइट, ग्लास, फिर पॉलीथीन बैग्स, फिर टूटे हुए टॉयज, तो उसमें आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, राइट. द
माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। तो माइक्रोब्स है, ऐसी चीज़ों पे कोई वहाँ पे काम नहीं करते, राइट? वो चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती है। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समथिंग डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, राइट? ये सभी चीज़ें जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स मीन्स जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स की पील्स होती है, प्लांट का वेस्ट होता है, फिर जो काउ डंग होता है, ये सभी चीज़ें राइट ग्राउंड पे पड़ी होती है। यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। दिस इज बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इंटू सिंपल सब्सटेंस, राइट? तो ये सभी चीज़ें हैं वो क्या हो जाती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे डीकम्पोज करके उसे मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज बाई द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये सभी चीज़ों का वापस हम प्लांट में मैन्योर की तरह यूज़ करते हैं और प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, राइट? दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाई क्लीन अप द इन्वायरमेंट। तो यहाँ इस जो हमने टॉपिक देखा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह हमें यूजफुल हुए, कि ये जो नॉन यूजफुल है, राइट, जो चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहे तो उसमें से बदबू आती है, तो उसे वापस माइक्रो से वो कन्वर्ट करके उसे यूजफुल थिंग में एक तो कन्वर्ट करते हैं और जो उसकी स्मेल से जो इन्वायरमेंट है वो हार्म हमें उसमें से हार्मफुल गैसेस जो होते हैं वो क्रिएट नहीं होते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन भी करते हैं। तो अभी तक हमने जो भी देखा वो हमें हेल्पफुल जो हमारे फ्रेंड्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका जो हमें कहाँ कहाँ पे यूजफुल है वो सब टॉपिक्स हमने देखे। अब है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान करते हैं, राइट? हमारा चैप्टर ही है फ्रेंड्स एंड फो, राइट? फो मीन्स हमें जो हमारे दुश्मन है एनिमल, जब वो कैसे होंगे, जब हमें हार्म करेंगे, राइट? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, राइट? उसके कारण उसके रिलेटेड जो डिजीज होते हैं जो ह्यूमन बींग यानी के हमें प्लांट्स और एनिमल्स सभी को हार्म करते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथागोन्स, राइट? सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, वो स्पॉइल को जो फूड है हमारा उसे स्पॉइल मीन्स खराब करते हैं। क्लोथिंग एंड लेदर, आपने देखा होगा कपड़े के ऊपर भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं और वो कपड़ा भी देखना ग्रीन पैचेस उसमें भी दिखाई देते हैं आपको, राइट? और लेदर पे तो आपको बहुत टाइम तक आप रख दोगे ना ऐसे ही, तो वो भी वहाँ पे भी आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप ऑब्जर्व कर पाओगे, राइट? तो इस तरह से जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे पैथागोन्स कहते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन करना, ओके? लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, तो जो हमारे बॉडी में डिजीज कोई भी डिजीज हो उसके लिए वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो ये हमारे बॉडी में कहाँ से एंटर होते हैं, तो जो फूड हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो हम एयर राइट ब्रीदिंग में लेते हैं, तो वहाँ से हमारे बॉडी में एंटर होते हैं।
They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by animal, right? तो भी तो ये जो कोई भी person है, right? इससे infected हुआ है, यानी कि जिसको ये disease हुआ है, उसके direct contact से या तो animal उसे carry करता है, right? अभी ही जो corona है, तो वो हम जिसे corona हुआ है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो तुरंत उसका इन्फेक्शन लग सकता है, राइट? तो ये क्या हुए? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इफेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज की डिफाइन हुई, राइट? ये डिफरेंस में भी हो सकता है, तो यहाँ से आप ब्रैकेट करो माइक्रोबियल डिजीज से लेके कम्युनिकेबल डिजीज तक, राइट? तो कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं? कि कोई भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है वहाँ से हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में, या तो एयर, वाटर और फूड, या फिजिकल कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होता है, उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, राइट? कम्युनिकेबल मीन्स एक से दूसरे तक पहुँचना, राइट? कम्युनिकेट होना। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज, और यहाँ उसका दूसरा पॉइंट मिल जाएगा आपका डिफरेंस के लिए, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस, राइट? ये इसके एग्जाम्पल है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस एंड स्प्रेड इन द एयर, राइट? कोई पर्सन है, राइट, जिसे सर्दी जुकाम हुआ है, राइट, कॉमन कोल्ड, जब वो स्नीज मीन्स छींकता है, तो उसके साथ थाउजेंड्स ऑफ वायरस, राइट, ये माइक्रोब्स है, वो उसके बॉडी से बाहर निकलते हैं और कहाँ आ जाते हैं? एयर में। तो वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, और उसी एयर से, राइट, जो हेल्थी पर्सन है वो वहीं से ऑक्सीजन लेता है, तो वो वायरस है वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में ब्रीदिंग थ्रू आते हैं और उसे भी इन्फेक्शन होता है, और अभी की ही जो कोई भी इससे अनजान नहीं है, राइट? ये कोरोना वायरस इसी तरह से पूरा फैलता जाता था, और इसीलिए हम क्या लगाते हैं आजकल? मास्क लगाते हैं, राइट? देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरीज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, राइट? कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स होते हैं जो ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है उसे कैरी करते हैं, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, राइट? जो हाउस फ्लाई है, राइट, यानी कि मक्खियाँ, वो एक गंदी जगह पे बैठ के ऐसे डिजीज को हमारे खाने पे या फूड पे या हमारे ऊपर बैठती है, तो उसके बॉडी के साथ जो चिपके हुए वायरस है वो हमारे जो हेल्दी पर्सन है उसके बॉडी तक पहुंचते हैं। द फ्लाई सीड्स ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एज क्रिएटर, राइट? यहाँ पे आपको दिया है, देखो, वो कहीं पे भी इस तरह से गंदी जगह पे बैठती है। पैथागन स्टिक्स टू देयर बॉडीज, व्हेन दिस फ्लाई सीट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन्स, राइट? तो यहाँ पे वो जो जर्म्स, उसने वायरस है, उस जो अनकवर्ड फूड है, राइट, खुला जो रखा हुआ फूड है उसके ऊपर बैठते हैं और वहाँ से वो ट्रांसफर होता है। वॉट एवर हु एवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक, और ऐसा फूड जो खाते हैं वो क्या होते हैं? फिर बीमार होते हैं। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, राइट? इसलिए हमें हमेशा अपना जो फूड है वो कैसा रखना चाहिए? ढक के रखना चाहिए। एवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज द फीमेल एनोफिलीस मॉस्क्यूटो, राइट? ये अंडरलाइन करना, एनोफिलीस मॉस्क्यूटोज है विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया कौन से मॉस्क्यूटो से फैलता है? ये वन वर्ड आंसर में आएगा, MCQ में आएगा।
और जिसे क्या कहते हैं मलेरिया को, प्लाज्मोडियम। फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो, ये भी अंडरलाइन करना, फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो एक्स एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस किससे फैलता है? फीमेल एडीज मॉस्क्यूटोज। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? तो हम इसे फैलने से किस तरह कंट्रोल करें, राइट? ऑल मॉस्क्यूटोज ब्रीड इन वाटर, राइट? सभी मॉस्क्यूटोज कहाँ से ज़्यादा फैलते हैं? जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ होता है, राइट? ब्रीड इन वाटर मीन्स इकट्ठा हुआ हुआ पानी। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट्स एक्सेट्रा। तो हमें ऐसी जगहों पे कहीं पे भी पानी ज़्यादा देर तक एक जगह पे ही रखा हुआ रखना नहीं चाहिए। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो इस तरह हम पानी इकट्ठा हुआ नहीं रखेंगे तो कहीं पे भी इस तरह से मॉस्किटोज है ब्रीडिंग मीन्स वो फैलेंगे नहीं। अभी आप रेनी सीजन में देखोगे कि कहीं पे भी एक जगह पे पानी इकट्ठा हुआ होता है ना, तो उसके ऊपर आप देखना बहुत सारे आपको दिखाई देंगे, राइट? ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और इस तरह से हम कोई भी आसपास की जगह पे पानी इकट्ठा ना होने दो, उसे हम प्लेस को ड्राई कर ले, तो इस तरह से मॉस्किटोज हैं, राइट, वो फैलेंगे नहीं और ये जो मलेरिया जैसे डिजीज है वो भी स्प्रेड नहीं होंगे, राइट? तो यहाँ पे देखो, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सभी डिजीज हैं, ये बैक्टीरिया वायरस से कौन कौन से डिजीज किससे फैलते हैं, इसके कांटेक्ट में आने से फैलते हैं, और उससे हम किस तरह से प्रिवेंट यानी बच सकते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस, मिसल्स, चिकन पॉक्स और ये है पोलियो। तो पोलियो भी किससे फैलता है? वायरस से, और वो एयर या तो वाटर से फैलता है, राइट? और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, राइट? अब ये वर्ड्स आपको पता है, आइसोलेशन किसे कहते हैं, राइट? बहुत सारे के आसपास या घर में किसी को हुआ होगा तो वो आइसोलेट मीन्स किसी के भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, राइट? उसे दूसरों के कॉन्टेक्ट से दूर रहना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट ए सूटेबल एज, और उसकी जो प्रॉपर एज होती है उसमें जो भी ये डिजीज है उसके रिलेटेड जो भी वैक्सीन है वो उसे लेनी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ कोलेरा, टाइफॉइड, इन सभी ये डिजीज वो किससे फैलते हैं, राइट? उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है और हमें उससे किस तरह से बचना चाहिए, ये चार्ट आप रीड करना।